नमस्कार। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपने हंगामा देखा होगा, हंगामा थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ जाता है तो लोग फिर पूरी खबरें देखते हैं कि यार आखिर कहाँ ये हंगामा हुआ है। तो आज की खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पर चेयरमैन का घेरा हुआ, खबरों में दिखाएंगे कहाँ महिलाओं ने उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, खबरों में ये खबर भी कि कौन से गाँव का पटवार मंडल इतना झरझर होकर घिर चुका है कि उसकी बाकी का भवन एक बड़े दुर्घटना को न्योता दे रहा है। तो साथ ही राजसमंद के एक युवा की एक सफलता की कहानी भी आपको थोड़ी सी हम बताएंगे। इसमें खबरों की शुरुआत करते हैं नाथद्वारा से। नाथद्वारा वार्ड नंबर 1, 2, 3, यहाँ के नागरिक कल नगर परिषद वहाँ नगर पालिका पहुँचे और वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ। बताया जा रहा है कि नाथद्वारा के वार्ड नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों वार्डों में सड़कों की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ हर समय किसी न किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहाँ के वार्डवासियों ने बताया कि लगातार यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है, इसमें लोग घायल हो रहे हैं। सड़कों की ख़राब स्थिति के साथ साथ उन्होंने बताया कि जो यहाँ की रोड लाइटें हैं, जो सड़क वागोल से इनको कनेक्ट करती है, उन तमाम स्थितियों में भी इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि अब लोगों को हर रोज़ किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोग आक्रोशित थे, लोगों ने नगर पालिका के चेयरमैन का घेराव किया। हालांकि चेयरमैन साहब कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी की रोड है, अधिकारियों से बात भी हुई, मगर लोग बड़े ही गुस्से में थे। और आखिर में जब ये आश्वासन दिया गया कि अति शीघ्र इस सड़क को दुरुस्त करवा दिया जाएगा, इसका काम शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ होगा, तब लोग शांत हुए। तो ये जो सड़कों की हम बार बार भी बताते हैं आपको, क्योंकि सड़कों की स्थिति हर तरफ ख़राब है। इतने दिन कहा जा रहा था कि बारिश के बाद ठीक हो जाएगी, अब बारिश भी लगभग रुक चुकी है। तो अब सभी जिम्मेदारों से आग्रह है कि लोगों को इन धूल भरे खड्डों से, इन टूटी फूटी सड़कों से निजात दिलाइए। टैक्स भरते हैं ये लोग, इतनी बुरी और बदतर स्थिति में इनको मत रखिए। अगली खबर के लिए चलते हैं आमेट। आमेट में आज बड़े हंगामेदार दिन रहा। बाज़ार वहाँ के बंद थे और बाज़ार बंद रहने का कारण और इस हंगामे का कारण था, वहाँ पर पानी की जो आपूर्ति हो रही है वो बड़ी ही बुरी स्थिति में हो चुकी है। पानी जो एक बड़ी मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति के जीवन की, और बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन इतने लंबे गैप के बाद वहाँ जलापूर्ति हो रही है। तो इसको लेकर लोग बड़े आक्रोशित थे और उसका जो सर्वाधिक प्रभाव जहाँ पड़ता है महिलाओं पर, वो महिलाएँ बड़ी आक्रोश में दिखी। तमाम व्यापार मंडलों ने आमेट बंद का आह्वान किया, महिलाएं खाली मटकों के साथ वहाँ पहुँची और उन्होंने उपखंड कार्यालय में पहुँचकर जोरदार नारेबाजी की। उसके बाद वहाँ SDM निशा सहारण को एक ज्ञापन दिया गया और साथ ही जब उनको ये आश्वासन दिया गया कि आगामी 5 दिन के बाद ये स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हो जाएगी, सुचारू जलापूर्ति प्रारंभ हो जाएगी, तो उसके बाद ही वो धरने से उठी। अन्यथा उन्होंने एक निर्णय कर लिया था कि भैया आज तो ये जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक हम लोग धरने पर ही रहने वाले हैं। तो इस तरह से आमेट का आज का दिन बड़े हंगामेदार रहा और तमाम व्यापार मंडल और वहाँ के जो क्षेत्रवासी है उन्होंने गंभीर एक प्रदर्शन किया और बड़ी आक्रोशित लगे, और पानी की समस्या होती तो आक्रोश समझा जा सकता है। अगली खबर के लिए चलते हैं बामनहेड़ा। और बामनहेड़ा से हमको खबर भेजी है जितेंद्र जी जोशी ने। वो जो दृश्य आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दृश्य है वहाँ के पटवार भवन के। जितेंद्र जी बताते हैं कि पटवार भवन काफ़ी लंबे समय से क्षतिग्रस्त था, जर्जर स्थिति में था, कई वर्षों से बंद भी पड़ा है। और ये जब बंद पड़ा तो इसके बाद धीरे धीरे ये कचरा डंपिंग यार्ड बन गया कि यहाँ लोग कचरा डालने लग गए। तो अब वहाँ पर स्थितियाँ ये होने लगी कि भवन जर्जर हो गया, गंदगी का आलम रहने लगा, बड़े बड़े पेड़ उग गए। और ग्रामीण ने और पंचायत को लेकर इसको लिखित और मौखिक दोनों में ही उन्होंने कंप्लेन भी करवाई, मगर कोई अधिकारी किसी ने इसकी सुध नहीं ली, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और ये आखिर में स्थिति ये हो गई कि इसकी एक दीवार गिर गई। उस क्षतिग्रस्त कमरे की एक दीवार गिर गई, दूसरी साइड की जो दीवार है वो अभी भी जर्जर स्थिति में है। दीवार बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये कभी भी गिर सकती है, कोई भी दुर्घटना वहाँ पर हो सकती है। हालांकि सूचना के बाद वहाँ पर ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल जी जोशी भी पहुँचे, उन्होंने आकर वहाँ पर फिर PWD विभाग में जानकारी भी दी, मगर ये जब सूचना हम तक आई तब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। तो इसको लेकर संज्ञान लिया जाना अति आवश्यक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस प्रकार की जो बिल्डिंग के पहले हमने नमाड़ा की एक भवन बताया था, वो निजी भवन था, वो भी बड़ी जर्जर स्थिति में था। तो इन बिल्डिंगों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि फिर दुर्घटनाएं होती है और उसके बाद हम भागदौड़ करें, उससे बेहतर है कि समय पर चीज़ों को सही कर दिया जाए।
अब इन खबरों के बाद आखिर में एक अच्छी खबर लेते हैं। अच्छी खबर होती है देवेंद्र सिंह चुंडावत, जो कि अभी हाल ही में डेहरी खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये जो कॉलेज है उदयपुर में, उसके अध्यक्ष बने हैं। और इसमें खुशी की बात ये है कि छात्र संघों के जब ये चुनाव हुए, जब अध्यक्षों के चुनाव हुए और देवेंद्र सिंह जी वहाँ चुने गए, ये देवेंद्र सिंह जी राजसमंद से होते हैं। राजसमंद के जेके सर्किल पर भवानी नगर कॉलोनी में ये रहते हैं। और ये जब यहाँ राजसमंद आए तो इनका कॉलोनी वासियों के द्वारा स्वागत किया गया। और साथ ही खुशी होती है कि जब राजसमंद के युवा निकल कर आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से सफलताएँ प्राप्त करते हैं तो अच्छा लगता है। तो देवेंद्र सिंह जी को राजसमंद एक्सप्रेस की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये तमाम खबरें थी। अगर आपको भी लगे कि ऐसी कुछ खबरें हमारे माध्यम से उठाई जानी चाहिए, ऐसे कुछ विषय जो हमारे माध्यम से सामने आने चाहिए, तो आप भी हमें अपनी खबरें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो हमारी ताकत हैं। देखते रहें राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।